हाँ जी बेटा आइए जी, आ जाओ। एक न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। सबसे पहले अगेन पॉइंट आता है कि गवर्नमेंट ग्रांट्स होती क्या है। गवर्नमेंट ग्रांट्स का मतलब क्या है? गवर्नमेंट की असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन फॉर्म ऑफ काइंड, ठीक है, दैट विल बी ट्रीटेड एज गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स आर द असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट इन कैश काइंड टू एन एंटरप्राइज फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस। गवर्नमेंट हमें ग्रांट क्यों प्रोवाइड करती है? गवर्नमेंट हमें ग्रांट इसलिए प्रोवाइड करती है कि कुछ कंडीशंस गवर्नमेंट हमारे ऊपर लगाती है। उन कंडीशंस को अगर हम फुलफिल करते हैं तो गवर्नमेंट हमें हेल्प करती है। अगर हम कोई बैकवर्ड एरिया में जाके कोई अपनी फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उसके लिए हमें गवर्नमेंट ग्रांट प्रोवाइड कर सकती है। अगर हम गवर्नमेंट को बोलते हैं कि हम कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट उसमें हमें हेल्प कर सकती है। गवर्नमेंट हमें लैंड प्रोवाइड कर सकती है। गवर्नमेंट हमें मशीनरी लेने में हेल्प कर सकती है। टेक्नोलॉजी भी हेल्प कर सकती है। गवर्नमेंट अलग अलग फॉर्म्स में हमें हेल्प करती है ताकि क्या हो, उस पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट भी हो, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, क्योंकि गवर्नमेंट सारे काम खुद से नहीं कर सकती बेटा। चलिए जी, अभी फिलहाल ज्यादा डिस्कशन करते नहीं है, डन। अब गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है? यहाँ पे कह रहे हैं लोकल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, इंटरनेशनल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज या सिमिलर बॉडीज जो आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। इसका मतलब अदर देन गवर्नमेंट कोई आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है तो AS 12 के अंदर वो कवर नहीं होता। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि ये स्टैंडर्ड कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ये स्टैंडर्ड गवर्नमेंट असिस्टेंस अदर देन इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, मतलब गवर्नमेंट ने बोला आपको कि हम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपकी लाइसेंसिंग इजी कर देंगे, हम आपका पेपर वर्क जल्दी करवा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर गवर्नमेंट आपको कोई असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है जहां पे आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस गवर्नमेंट करके दे रही है तो उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं हो पाएगी, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन ऑनरशिप, मतलब गवर्नमेंट आपसे पैसे देने के बदले में आपसे क्या मांग रही है, शेयर्स मांग रही है, तो वो गवर्नमेंट ग्रांट नहीं हुई, फिर तो वो एक पार्टनरशिप टाइप हो गई, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। तो बोल रहे हैं जी देखो जी, इफ द ग्रांट इज द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, अदरवाइज इट इज अप्रोप्रिएट टू रिकॉग्नाइज इन द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज करने के दो तरीके होंगे बेटा। एक आपका हो गया आपका 1 ईयर के अंदर ही हम सिंगल ईयर में उसको डाल दें प्रॉफिट एंड लॉस में, या ओवर दी पीरियड। मतलब इस केस में हम एक कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, आपको याद होगा DGG, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है जी। अप्रोचेस, दो अप्रोचेस है। कैपिटल अप्रोच, दैट इज जब आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है एज प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, तो वहां पर हम क्या करते हैं उस केस के अंदर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, मतलब शेयर होल्डर फंड का पार्ट बनता है वो हमारा। अगर वही गवर्नमेंट ग्रांट आपको प्रोवाइड कर रही है इनकम अप्रोच, जो हमने सेकेंड वाले की बात करी, ठीक है, हम कहाँ डालते हैं इसको, इनकम ओवर 1 पीरियड या मोर पीरियड्स में। जब मोर पीरियड्स की बात आई तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का कॉन्सेप्ट आता है। अब वो कह रहे हैं रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट को कब आप रिकॉग्नाइज करोगे, उस दो कंडीशंस हैं। नंबर वन वो बोल रहे हैं या तो जो कंडीशंस हमने आपको प्रोवाइड करी हैं उन कंडीशंस को आप फुलफिल करने के मूड में हो, वो कंडीशंस आप फुलफिल कर दोगे तो कर लो, ठीक है, या फिर इन्होंने क्या बोला आपको कि आपके पास रीजनेबल सर्टेनिटी है किस चीज के लिए कि अमाउंट जो है गवर्नमेंट से वो रिसीव्ड हो जाएगा। आपको लगता है कंडीशन फुलफिल कर दोगे पर अमाउंट रिसीव होने की कोई सर्टेनिटी नहीं है अभी, तो रिकॉग्नाइज मत करो। आपको अमाउंट रिसीव हो चुका है पर उसके बाद जो भी आपको लगता है कि जो कंडीशंस गवर्नमेंट ने लगाई है फुलफिल नहीं कर पाओगे, तो उस केस में भी दैट इज उसको आप इनकम मत मानो, ठीक है, उसको आप पेबल टू गवर्नमेंट मानो। क्या मानो? पेबल टू गवर्नमेंट मानो, ये वाला पॉइंट पढ़ के जाना। नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट ग्रांट में भी गिव मे गिव ग्रांट्स इन द फॉर्म ऑफ नॉन मॉनेटरी असेट्स। कभी कभी गवर्नमेंट आपको कैश ना देके असेट्स प्रोवाइड करती है, बहुत जनरल है। स्कूल्स वगैरह में गवर्नमेंट क्या करती है, लैंड वगैरह प्रोवाइड कर देती है। गवर्नमेंट आपको बिल्डिंग प्रोवाइड कर देती है, गवर्नमेंट आपको प्लांट एंड मशीनरी प्रोवाइड करती है। क्या गवर्नमेंट ने वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करी, तो उसको आप रिकॉर्ड करोगे किस पर, नॉमिनल वैल्यू पर। क्या गवर्नमेंट ने उसको आपको कंसेशनल रेट पर प्रोवाइड करा, वो लैंड 10 करोड़ का था पर गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड कर दिया 6 करोड़ के अंदर, तो आप उसको 6 करोड़ पे रिकॉर्ड करोगे मेरे बच्चे, ठीक है, कंसेशनल रेट। अब इस गवर्नमेंट ग्रांट को आप प्रेजेंटेशन कैसे करोगे अगर वो कनेक्ट करता है किसी स्पेसिफिक
फिक्स्ड से। अब देखो यहाँ पे समझना मेरी बात, आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ नॉन मॉनेटरी असेट्स, तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो उसको आप कहां डाल दो, अगर वो फ्री में है तो फ्री में है तो कहां जाएगा बेटा वो, किस पर रिकॉर्ड होगा, सॉरी नॉमिनल वैल्यू पर। अगर वो कंसेशनल रेट पर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस अमाउंट पे आपने रिसीव करा उस पर रिकॉर्ड कर दो, या आपने कोई स्पेसिफिक फिक्स असेट्स परचेज करा, गवर्नमेंट ने आपको हेल्प करा परचेज करने में, गवर्नमेंट ने आपको ये करा, असेट लेकर नहीं दिया आप, गवर्नमेंट ने बोला आप परचेज करो हम आपको असिस्ट करेंगे, मतलब आपको 1 करोड़ का सेट है हम आपको 20 लाख दे देंगे 30 लाख दे देंगे, तो ये वो चीज हो गई। ठीक है, दीज ग्रांट्स आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स असेट्स एंड दीज आर रिसीव्ड व्हेन द एंटिटी परचेज और कंस्ट्रक्ट असेट एज पर द स्पेसिफिकेशन मेड बाय द गवर्नमेंट। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ असेट, या डेप्रिशिएबल है या फिर क्या है नॉन डेप्रिशिएबल। अगर असेट आपका डेप्रिशिएबल असेट है तो ऑल्टरनेटिव वन, असेट की कॉस्ट से लेस कर दो, बाकी बैलेंस के ऊपर क्या लगा दो आप अपना डेप्रिसिएशन, अभी हम करेंगे आगे। ऑल्टरनेटिव टू, इन्होंने क्या बोला आपको, आप क्या करो यहाँ पर, जो गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिली है वो असेट की कॉस्ट से लेस ना करके एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट कर दो जिसका नाम रखो DGG अकाउंट। दैट इज अगर आपके पास एक फिक्स असेट है 10 लाख का, ऑप्शन क्या है 10 लाख के असेट में से जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली 4 लाख की लेस करके 6 लाख के ऊपर मान लो 10 ईयर्स उसकी लाइफ है वो डेप लगा दो, या दूसरा ऑप्शन क्या है 10 लाख के ऊपर अलग से डेप लगाओ और एक अलग से अकाउंट क्रिएट करो DGG का, कितने से 6 लाख, उसके ऊपर भी 10 ईयर्स तक उसको अमोर्टाइज कर दो। बस यहाँ पे जो अमोर्टाइजेशन होगा वो क्रेडिट साइड में आएगा और ये वाला कहां पर आएगा मेरे बच्चे डेबिट साइड में आएगा, कोई दिक्कत नहीं जी। डेफर्ड इनकम इज रिकॉग्नाइज इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सिस्टमेटिक एंड रैशनल बेसिस ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ असेट, अप्लाई डेप्रिसिएशन मेथड टू रिकॉग्नाइज द डेफर्ड पेमेंट, ये कोई दिक्कत नहीं है वो हम देख लेंगे बाद में। तो अगर आपका डेप्रिशिएबल असेट है, मैं फिर बोल रहा हूँ, तो यू हैव टू ऑप्शंस, नंबर वन आइदर यू कैन डिडक्ट द गवर्नमेंट ग्रांट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ असेट्स, नंबर टू आप सेपरेट अकाउंट ओपन करो DGG का और वहां पे उसको ट्रांसफर कर दो, धीरे धीरे उसको अमोर्टाइज करो ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ असेट। ठीक है जी, अगर आपका नॉन डेप्रिशिएबल असेट है, इन शॉर्ट में फिलहाल के लिए बोलूंगा कहां डाल दो उसको, कैपिटल रिजर्व में डाल दो, नॉन डेप्रिशिएबल मतलब लैंड वगैरह हो गए। अब प्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड टू रेवेन्यू, मतलब ग्रांट जो आपका रेवेन्यू से कनेक्टेड है उनकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, वो सेम कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, आपके पास जो गवर्नमेंट ग्रांट आई, या तो उसको अदर इनकम्स में शो कर दो या फिर उसको एक्सपेंस में से लेस कर दो, कहां से लेस कर दो एक्सपेंस में से लेस कर दो, ये दो ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, जब इनिशियल स्टेज पर आपको ग्रांट मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, कहां डालेंगे उसको कैपिटल रिजर्व में। रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट आर समटाइम बिकम्स रिफंडेबल बिकॉज सर्टेन कंडीशन आर नॉट फुलफिल्ड एंड आर ट्रीटेड एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, कह रहे हैं हमारी गवर्नमेंट ग्रांट को हम कभी कभी क्या होता है रिफंडेबल हो जाती है क्योंकि हमने जो कंडीशंस अटैच हुई थी वो हमने फुलफिल नहीं कर पाए तो इसलिए गवर्नमेंट ने हमसे वो ग्रांट वापस ले ली। अब करेंगे क्या, वो कह रहे हैं जहां पर आपने गवर्नमेंट ग्रांट को डाला था वहीं से उसको बाहर निकाल लो। अगर आपका प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन था और गवर्नमेंट ग्रांट आपका कहां गया था कैपिटल रिजर्व में, तो कैपिटल रिजर्व से वापस ले लो, एंट्री होगी कैपिटल रिजर्व टू बैंक। अगर गवर्नमेंट ग्रांट एक पर्टिकुलर रेवेन्यू से कनेक्ट करता है, ठीक है, तो सरकमस्टांस में हो सकता है कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट ग्रांट आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दी हो तो प्रॉफिट एंड लॉस से वापस ले लो, या फिर आप में हो सकता है गवर्नमेंट ग्रांट को भी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डाला, कुछ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट वो कहां पड़ा है DGG अकाउंट में, कहां पड़ा है बेटा DGG अकाउंट में, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में, तो कह रहे उस केस के अंदर कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, उस केस के अंदर जितना बैलेंस पड़ा है DGG अकाउंट में वहां से ले लो, बाकी रिमेनिंग बैलेंस जो होता है आपका उसको क्या करो आप प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो जी। चलिए जी, यहां तक समझ आ रहा है? हाँ जी सर समझ आ रहा है आपको, वेरी गुड। अब ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स असेट्स, अगर आपकी ग्रांट जो है स्पेसिफिक फिक्स असेट से कनेक्ट कर रही है तो सरकमस्टांस में इन्होंने क्या बोला, डेप्रिशिएबल असेट है अगर आपके पास, ठीक है, तो डिडक्ट फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू से करा होगा आपने तो उस केस में ऐड कर दो उस असेट की कॉस्ट के अंदर। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, मैं दिखाता हूं कैसे आएगा एग्जाम के अंदर, एक मिनट रुको आप।
अब से फॉर एग्जाम्पल आपके पास फिक्स असेट था 10 लाख का, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ग्रांट मिली आपको 4 लाख की, तो बैलेंस कितना बच गया आपका 6 लाख। इसकी लाइफ थी 10 इयर्स, तो डेप कितना हो गया इसके ऊपर 60,000। आई बात समझ? ठीक है जी। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको, आफ्टर 3 इयर्स, ये आ गया इसका 10 इयर्स, सॉरी ऐसे कर लेते हैं, इसकी लाइफ कितनी है, इसकी लाइफ कितनी है 10 इयर्स, तो डेप कितना आ गया एनुअल डेप 60,000 आ गया। ठीक है जी। अब देखो आफ्टर 3 इयर्स अगर आपको रिफंड करना पड़ जाता है कितना अमाउंट, से फॉर एग्जाम्पल 3 लाख, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास फिक्सेड्स कितने का था 10 लाख, उसमें से गवर्नमेंट ग्रांट कितनी लेस हो गई 4 लाख, कोई दिक्कत? और डेप कितना लग चुका, पहले ये देखो आप डेप लग चुका है कितना आपका, दैट इज 60,000 × 3 कितना लग गया 180। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू रहेगी 6 लाख, आपका रह गया 4,20,000, ये बैलेंस रह गया। इसको हम ऐड कर देंगे जो हमारा रिफंड वाला अमाउंट था, रिफंड वाला अमाउंट कितना है 3 लाख, और 3 लाख कितना हो गया 7,20,000, और इसको हम डिवाइड कर देंगे जो बैलेंस लाइफ है, 10 साल टोटल लाइफ थी और अभी तक कितनी लाइफ एक्सपायर हो सकती है 3 साल, तो बाकी रिमेनिंग हो जाएगा आपका 7, और फिर आपका आ जाएगा फिर दोबारा डेप्रिसिएशन। बस एक रास्ता ये होता है, अगर आपने जो गवर्नमेंट ग्रांट है उसको रिफंड करवा लिया, और गवर्नमेंट ग्रांट को पहले आपने लेस करा था असेट की कॉस्ट में से। अब से फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान रखना फिक्स असेट कितने का है हमारा 10 लाख का है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में जो गवर्नमेंट ग्रांट आई थी उसको हम डाल दिया DGG अकाउंट के अंदर 4 लाख। अब इसकी लाइफ जो है वो थी 10 इयर्स, तो कितना हो गया 1 लाख, और इसको भी हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये भी कितना हो गया आपका 40। ये डेप्रिसिएशन है जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा, ये अमोर्टाइजेशन है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा। अब आफ्टर 3 इयर्स हमारी गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड होनी है, ठीक है, तो 3 साल तक 4 लाख में से हमने कितना कर दिया होगा 40 × 30 कितना हो गया बेटा 1,20,000, तो 4 लाख − 1,20,000 बचा 2,80,000। अब गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड कितनी होनी है 3 लाख होनी है, अभी हमने डिस्कस किया था, तो हम क्या करेंगे DGG में कितना पड़ा हुआ है 2,80,000, और प्रॉफिट एंड लॉस से कितना लेंगे 20, और 2 कर देंगे बैंक, कितना आ गया 3 लाख। ये कॉन्सेप्ट करेंगे अगर आपने गवर्नमेंट ग्रांट को कहां नहीं डाला, गवर्नमेंट ग्रांट को अगर आपने दैट इज अपने असेट की कॉस्ट से एडजस्ट नहीं करा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपका। ठीक है, तो ये बात इन्होंने बोली है आपको। बस नॉन डेप्रिशिएबल असेट है तो कैपिटल रिजर्व में गया होगा, तो ये चीज होगी। तो इसका मतलब अगर आपका जो गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड होती है और सारा ही सारी गवर्नमेंट ग्रांट प्रॉफिट एंड लॉस में डाल चुके हो तो प्रॉफिट एंड लॉस से वापस ले लो, अगर कुछ पोर्शन गवर्नमेंट ग्रांट का अभी DGG में है तो यही सेम कॉन्सेप्ट चलेगा बेटा, यही वाला सेम कॉन्सेप्ट, तो जितना पोर्शन वहां पर अवेलेबल है वहां से एडजस्ट कर दो, बाकी रिमेनिंग को क्या कर दो आप प्रॉफिट एंड लॉस से ले लो, और सेम कॉन्सेप्ट लग गया है फिक्स एसेट्स के अंदर भी, और फिक्स एसेट्स ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है जी, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके, ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो, बड़े इजी इजी क्वेश्चंस हैं, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, पर इनको देख के जाना। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, 8 करोड़ का हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली और कंपनी ने 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिविडेंड, आप मुझे बताओ कंपनी ने ठीक करा नहीं, आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते नहीं हो, जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्री मतलब इसको कैपिटल रिजर्व में डालना था, इनिशियल स्टेज पे आपको मिली थी, फिर उसके बाद गवर्नमेंट से फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड मिली तो उसको भी रिकॉर्ड नहीं करा, उसको रिकॉर्ड करना है, पर किस पे करना है नॉमिनल वैल्यू पर, आप पढ़ लेना इसको। ठीक है जी, ऐसे ही कुछ ऊपर क्वेश्चंस भी हैं, ये आप देखोगे आपको आराम से समझ आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट 2 क्वेश्चन में ये बोल रखा है, एक में ऑप्शन क्या है कि जो गवर्नमेंट ग्रांट है उसको असेट की कॉस्ट से लेस करके बाकी पे डेप लगा दिया, और दूसरे में ऑप्शन क्या है असेट की कॉस्ट से लेस ना करके हमने क्या कर दिया उसको कहाँ डाल दिया डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, डेप पूरे पे लगा। ठीक है, उसके बाद जो भी डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट थी उसको हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, ये बात ध्यान रखनी है आपने। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमने बैकवर्ड एरिया में गवर्नमेंट के कहने के अनुसार कोई फैक्ट्री लगाई, 20%
हमें क्या मिला यहाँ पर, और इन्वेस्टमेंट कितनी है 50 करोड़ की, और गवर्नमेंट से कितना मिला हमें 10 करोड़। They want to treat this receipt as an item of revenue and hereby reduce the loss on the profit and loss account. ठीक है, कह रहे पॉसिबल नहीं, कह रहे इसको आप वो मान लो क्या कर रहे हैं, आपने एक सेटअप लगाया है, सेटअप लगाया है 10 करोड़ का जो आपको मिला है गवर्नमेंट से। ठीक है, आपने क्या लिया था जो इन्वेस्टमेंट करी उसका 10 करोड़ मिला, तो मतलब ये प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्या ये प्रमोटर, इनिशियल स्टेज पर आपने फैक्ट्री सेटअप करी, जितनी आपने इन्वेस्टमेंट करी गवर्नमेंट ने इसका 20% आपको दे दिया, तो उस केस के अंदर हम इसको क्या मानेंगे, एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व। कहां जाएगा ये, कैपिटल रिजर्व जाएगा, इसको रेवेन्यू आइटम ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है जी, ऐसे करके ये क्वेश्चन दे रखे हैं, एक बार आप जरूर देखना बेटा। ठीक है, तो आपको नॉलेज आ जाएगी अच्छे से। डन, चलिए जी, बस इस एएस में मोटा मोटा यही है। अगर मैं वापस से जल्दी से आपको कनेक्ट कर दूं इस एएस के बारे में, तो गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में बात कर रहे हैं आपसे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स इंट्रोडक्शन ये आपके सिलेबस में नहीं आता, जनरली नहीं आता। ठीक है, ये आपसे जो स्कोप भी कवर नहीं करते, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे अभी फोकस करते हैं आपके साथ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में बोलूंगा आपकी जो गवर्नमेंट ग्रांट की है वो रिलेटेड टू एक्सपेंस हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, असेट्स हो सकती है, कि कंडीशंस ये होगी, ये खर्चा करो या असेट क्रिएट करो। अगर इनिशियल फेज पर है तो कहां जाएगा वो, कैपिटल रिजर्व। अगर एक्सपेंस से कनेक्टेड है तो दो ऑप्शन है, या तो उसको आप अदर इनकम मान के चलो, या फिर एक्सपेंस से क्या कर दो, गवर्नमेंट ग्रांट को लेस कर दो। असेट में भी दो ऑप्शन है, अगर वो डेप्रिशिएबल असेट है तो, अगर नॉन डेप्रिशिएबल असेट है तो कहां डालोगे उसको आप, कैपिटल रिजर्व में। अगर डेप्रिशिएबल असेट है तो डिपेंड करता है सर, किस पे डिपेंड करता है, अगर डेप्रिशिएबल असेट है मेरे बच्चे तो उसको या तो असेट की कॉस्ट से लेस कर दो, या उसको डीजीजी में डाल दो। ठीक है जी, अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला, आपका जो एक्सपेंस से कनेक्टेड है, ठीक है जी, अगर या दो ऑप्शन होते हैं, अगर वो सिंगल ईयर से कनेक्टेड है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो, अगर वो मल्टीपल ईयर से कनेक्टेड है, 3-4 साल से कनेक्शन है उसका कंडीशंस का, तो डीजीजी का अकाउंट ओपन करो। क्या करो, डीजीजी का अकाउंट ओपन करो। एग्जाम्पल देके समझा देता हूं, एग्जाम में आ सकता है एग्जाम्पल। लाइक हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 में 4 लाख, 6 लाख और 10 लाख, कितना हो गया 20 लाख। डन जी, ये गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड हुई 20 लाख। अब उसके अगेंस्ट में हमने एक्सपेंसेस करने हैं। ठीक है, अब जो एक्सपेंस हमने करे, ठीक है, हमने एक्सपेंस करे, मान लो फर्स्ट ईयर में हमने एक्सपेंस करा आपका 3 लाख, 3 लाख का। सेकेंड ईयर में करा 7 लाख का। थर्ड ईयर में हमारा जो एक्सपेंस हुआ मान लो वो हुआ आपका 5 लाख का, तो एक्सपेंस कितने हुए, 15 लाख के हुए। ठीक है जी, अब इस केस के अंदर ये रेशो बनाएंगे, ये रेशो कितना बना आपका 3:7:5, कि टोटल गवर्नमेंट ग्रांट को हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं जितना रिसीव हुआ, जितना हमने एक्सपेंस करा एक्सपेंस के रेशो में डालना होता है, दैट इज कॉल्ड मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो 3:7:5, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये कितना अमाउंट आ रहा है, थोड़ा सा मुझे लगता है ठीक से नहीं आएगा ये, एक बार मैं कैलकुलेटर पे देख रहा हूँ बेटा आपके लिए, 2 मिनट दे दो मुझे आप जल्दी से। 20 लाख डिवाइड बाय 15, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, इसको ना मैं 12.5 लाख कर देता हूँ, 12.5 लाख ये आ जाएगा 22,50,000। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन है 22,50,000 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आ गया मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट ईयर का कितना आएगा 3, ये आ गया फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस आ गया कितना 4.5 लाख। ठीक है जी, और उसके बाद 7, ये आ गया 10.5, फिर आपका आ गया क्या, फिर आ गया आपका 5, दैट विल बी 7.5 लाख। ऐसे करके आपने इस 22,50,000 को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाना है। मिला कितना हार्डली मैटर, लेके कितना जाना दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब मैं आपको एक अकाउंट बना के भी दिखा देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, डीजीजी अकाउंट आपको बता देता हूँ, जल्दी से देखना मेरे साथ क्वेश्चन को। सबसे पहले आएगा बाय बैंक, फर्स्ट ईयर में बैंक में कितना आया आपके पास 4 लाख, फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाना है 4.5 लाख। इसका मतलब हमने खर्चा ज्यादा कर दिया प्रोपोर्शनेटली और मिला हमें कम, गवर्नमेंट है दे देगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
ये बच गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना बेटा 0.5, ठीक है जी। ये आ गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया 0.5, और ये आ जाएगा टू फिर अगेन सॉरी बाय बैंक नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट से कितना मिला मेरे का बच्चा मुझे 6 लाख। टू प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाना है नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट लॉस में 10.5 जाना है, ठीक है। अभी भी क्या हो रखा है गवर्नमेंट से मिला कम, मैंने प्रोपोर्शनेटली खर्चा ज्यादा कर चुका हूं, इसका मतलब 11 लाख और 6 लाख ये आ गया बाय बैलेंस कितना हो गया आपका ये 5 लाख। टू बैलेंस आ गया 5 लाख बाय बैंक, इस बार गवर्नमेंट से कितना मिला मुझे 12.5 लाख मिला, और टू प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा मेरे बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा 7.5 लाख। ये लो ये भी हो गया 12.5 लाख और ये भी हो गया 12.5 लाख। ये मैंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना करके जाना ये एग्जाम्पल आप, ठीक है जी। बाकी क्वेश्चन आप देख लेना, मेनली आपके फिक्स सेट से कनेक्टेड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ये था आपका क्या, दैट इज गवर्नमेंट ग्रांट AS12। थैंक यू वेरी मच बेटा।